हेलो गाइस, वेलकम टू लॉट आई। आज हम आईपीसी सेक्शन 81 डिफेंस ऑफ नेसेसिटी पढ़ेंगे। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विथआउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, मतलब ऐसा कोई एक्ट जिससे कुछ हार्म हो रहा हो पर वो बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के किया हो और कोई हार्म से प्रिवेंट करने के लिए किया हो, ऐसे जो एक्ट है उसका डिफेंस ऑफ नेसेसिटी लिया जा सकता है। सेक्शन 81 बेस्ड है डॉक्ट्राइन ऑफ जस्ट नेसेसिटास पर, मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी पर। इसमें दो लीगल मैक्सिम है, नेसेसिटास नॉन हैबिट, मतलब नेसेसिटीज नोस नो लॉ, और नेसेसिटास विंसेट लीगम, मींस नेसेसिटी ओवर रूल्स द लॉ। अब सेक्शन 81 बेयर एक्ट से पढ़ते हैं। सेक्शन 81 प्रोवाइडेड नथिंग इज एन ऑफेंस जो इन इन रीजन से हुए हैं विद द नॉलेज डैट इट इज़ लाइकली टू कॉज हार्म, मतलब नॉलेज हो अगर ये किया तो इससे कोई हार्म होगा। इफ इट बी डन विथाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म, और बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन से किया हो और गुड फेथ में किया हो फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को दूसरे हार्म से बचाने के लिए ऐसा एक्ट किया हो जिसका इंटेंशन प्रिवेंट करना हो, तो ऐसे एक्ट में डिफेंस ऑफ नेसेसिटी लिया जा सकता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। ABC तीन झोपड़ी होती है, ए में आग लग जाती है, वो आग इतनी ज़्यादा थी कि आगे भी वो फैल सकती थी और दूसरी झोपड़ी को भी वो जला सकती थी। एक पर्सन था, उसने बी झोपड़ी को गिरा दिया ताकि वो आग आगे स्प्रेड ना हो सके। ये एक्ट उसने पर्सन और प्रॉपर्टी को प्रिवेंट करने के लिए किया था जिससे एक बड़ा हार्म अवॉइड हो सके। ऐसे एक्ट में ए गिल्टी नहीं होगा ऑफेंस के लिए, क्यों? क्योंकि वो एक्ट उसने गुड फेथ में किया है, किसी पर्सन और प्रॉपर्टी को प्रिवेंट करने के लिए किया था और बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए किया था, तो ऐसे एक्ट में वो गिल्टी नहीं होगा इस ऑफेंस के लिए और वो डिफेंस ऑफ नेसेसिटी ले सकता है। एक लीडिंग केस देखते हैं, आरवी डडली एंड स्टीफन केस 1884। इस केस में क्या होता है, चार लोग रहते हैं, डडली, स्टीफन, ब्रोक्स और पार्कर। ये चारों बोट में रहते हैं। सी में इनके पास खाना और पानी सब खत्म हो जाता है, बस कुछ टर्टल और ट्रिनिप्स रहते हैं। 20 दिन के बाद जब कुछ भी खाने को नहीं बचा तो डडली और एक प्रपोजल रखता है स्टीफन को, अगर हमको बचना है तो एक की लाइफ सेक्रीफाइस करनी होगी। ब्रुक्स तो मना कर देता है और वो इस प्रपोजल से बाहर हो जाता है, पर डडली और स्टीफन डिसाइड करते हैं कि पार्कर को मारकर खा लेते हैं। सेम ऐसा ही वो करते हैं, उसको मारते हैं और खा लेते हैं। बाद में डडली और स्टीफन पर मर्डर के चार्जेस रहते हैं। अब इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया है कि सेल्फ प्रिजर्वेशन एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं है और किसी को भी ये राइट नहीं है कि खुद की लाइफ बचाने के लिए किसी और की लाइफ ले ली जाए जब तक कि वो सेल्फ डिफेंस नहीं हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलना।